अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको बार्सिलोना की लाइटिंग दिखाते हैं जो नए साल और क्रिसमस के मौके पर की गई है। तो क्रिसमस तो गुज़र गया है, अब नए साल की तैयारी है। आज आखिरी दिन है नए साल का, तो ये हम जा रहे हैं बार्सिलोना की तरफ। तो ये नॉर्मल है, इधर कोई लाइटिंग नहीं, वो आगे लाइटिंग नज़र आ रही है। ये लाइटिंग तकरीबन 1.5 माह तक रहती है बार्सिलोना में। हर साल लाइटिंग की जाती है, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा लाइटिंग की गई है, क्योंकि 2020 गमज़दा साल था। कोरोना की वजह से बेशुमार फैमिलीज़ दुख और तकलीफ़ में मुबतला रही, तो ज़िंदगी का एहसास दिलाने के लिए, लोगों में नया एहसास पैदा करने के लिए इस दफ़ा ज़्यादा लाइटिंग की गई है। तो ये देखें कितनी अच्छी लाइटिंग की हुई है। तो ये मुख्तलिफ गलियों में काफ़ी अच्छी लाइटिंग की हुई है। तो ये देखें, ये 2021 को खुश आमदीद कहने के लिए जो साले नौ की तकरीबात होती हैं, वो इसके अलावा होती हैं। उनका इस तैयारी से कोई ख़ास तल्लक नहीं होता, वो तकरीबात अलहदा जगहों पे मनाई जाती हैं। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कहीं ना कहीं, उसकी तैयारियां भी। तो ये ईसवी साल का आगाज़ है। दुनिया में वैसे तो कई साल रह जाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा तैयारी जो की जाती है वो ईसवी साल की, क्योंकि ज़्यादा दारोमदार कारोबार का, ज़िंदगी का ईसवी साल पे या यूनानी साल पे ही है। हम मुसलमानों का वैसे तो कमरी साल है, लेकिन कमरी साल का हमें कोई ख़ास नामालूमात होती हैं। हमें तो ये तक नहीं पता होता कि कमरी साल के दिन का आगाज़ कब होता है। तो कमरी साल में दिन का आगाज़ मगरब के बाद होता है, तो ईसवी साल का दिन का आगाज़ रात 12 बजे को होता है। ये फ़र्क है दोनों सालों के में। ये देखें आगे फुहारा है, उसके आगे भी लाइटिंग है। ये बार्सिलोना लिखा हुआ है लाइटिंग में। तो ये लोगों का गम को हल्का करने के लिए, ज़िंदगी का एहसास दिलाने के लिए ये लाइटिंग की गई है। ये देखें, तो ये लाइटिंग तकरीबन अभी कुछ दिन रहेगी, 10 जनवरी तक तो तकरीबन रहती है। बहुत खूबसूरत है, लेकिन गलियां खाली हैं, कोई टूरिस्ट नहीं, कोई देखने वाला नहीं, तकरीबन गलियां खाली हैं। ठंड भी होती है, लेकिन कोरोना की वजह से जो पाबंदियां हैं, ये देखें इस बिल्डिंग को कितना सजाया गया है। तो कोरोना की वजह से जो पाबंदियां हैं, उनकी वजह से भी लोग कम निकलते हैं। तो इस रोड को काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है लाइटें लगाकर। हर गली में मुख्तलिफ किस्म की लाइटिंग है, मुख्तलिफ कलर हैं। ये देखें जी, हर जगह मुख्तलिफ रंग हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है वो नए साल के लिए है। तो अभी हम आपको कहीं गाड़ी खड़ी करके पैदल जाके भी कुछ दिखाएंगे। ये तो गाड़ी पर से दिखाया है। तो ये देखें, ये हम आपको पैदल दिखा रहे हैं। ये देखें कितना खूबसूरत बनाया गया है, और काफ़ी लोग निकले हुए भी हैं इधर बच्चों को लेकर, सिर्फ लाइटिंग देखने के लिए। यहाँ मेरा ख्याल है साले नौ की तकरीब मनाई जाएगी। ये स्टेज वगैरह कुछ बना हुआ है, तो इधर कुछ साले नौ की तकरीब का भी दिखाया जाएगा, ये कैसे आगाज़ करते हैं। ये फिर पानी का फुहारा एक आ गया। ये देखें कितना खूबसूरत है, ये
देखे एक बिल्डिंग पे कैसे लाइट से रिफ्लेक्ट कर रही है, बड़ा दिलकश मंजर है। ये देखिए एक बिल्डिंग पे लाइट सामने लगी हुआ है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए क्या क्या पूरा शहर दिखाई दे रहा है एक बिल्डिंग पर। इस बिल्डिंग को स्क्रीन बनाया हुआ है, तो ये देखिए लाइट शो, ठंड काफी है इधर तो, लोग भी काफी जमा है, लेकिन कमाल का लाइट शो है। तो आज आखिरी दिन है साल 2020 का, तो नया साल देखे कैसा आता है। दुआ है अल्लाह ताला नया साल सब के लिए रहमतें लेकर आए। अभी ज़िंदगी में नई आस भी लगी है वैक्सीन की।